जाग उठा भारत देख रहे हैं आप और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको सबसे पहले भारत की जीत की उस खबर के बारे में जिसका सभी को इंतजार था और 17 साल बाद आखिरकार T20 वर्ल्ड कप घर पर आ चुका है। आपको जानकारी दे दें कि कल का मैच काफी दिलचस्प रहा है और इस मैच के दौरान कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां लोगों की धड़कनें भी तेज हो गई थी। लेकिन मैच के दरमियान क्या क्या हुआ है और कैसे इतिहास रचा है, मैं आपको जानकारी देंगे। बिल्कुल, जीत बहुत बड़ी है और इसलिए क्योंकि 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत हुई। सबसे पहले देखिए 2007 में जीत हुई, तो उसके बाद साल 2024 में कल हुई फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया। दोनों टीम्स अजय रही, टूर्नामेंट में हारी नहीं थी। जीत की खुशी में पूरा देश कल झूमते हुए नजर आया था। आपने तस्वीरें भी देख ली, सुबह के समय भी आपको तस्वीरें दिखाई थी। 140 करोड़ भारतीय जश्न में डूबते हुए नजर आए और देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसके बाद जीत की बधाई दी थी। जैसे ही टीम जीती तो हमने देखा कि सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बधाई दी गई, अमित शाह की तरफ से, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई दी है और सभी खिलाड़ियों की जमकर तारीफ, सभी देशवासियों की। चिराग की, विराट की बात करें, अक्षर पटेल की बात करें, शानदार पारी देखने को मिली। विराट कोहली ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। भारतीय गेंदबाज मैच विनर बने। जसप्रीत बुमराह की बात करें, जसप्रीत बुमराह के अलावा अक्षर पटेल की बात करें, काफी अच्छी पारी वो खेलते हुए नजर आए, काफी अच्छी बॉलिंग उन्होंने की थी। आपको हाइलाइट्स बताएंगे और इसके अलावा और तमाम जानकारी इस रिपोर्ट के जरिए देते हैं। बिल्कुल, और ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको समझा दिया क्या कुछ वो पॉइंट्स रहे इस मैच के दरमियान। लेकिन अब एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि कितनी खुशी देखने को मिल रही है। 2014 के बाद, 17 साल के बाद आखिरकार विश्व कप घर लेकर टीम इंडिया आ रही है और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभकामनाएं टीम इंडिया को दी है। कौन कौन सी वो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, रिपोर्ट देखिए। दुनिया ने देखा भारत का दम। सत्रह साल का इंतजार हुआ खत्म। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को दी मात। झूम उठा पूरा हिंदुस्तान। अब T20 के सिकंदर हम। अलग अलग शहरों में आतिशबाजी, सड़कों पर पटाखे और आधी रात में जश्न। तस्वीरें टीम इंडिया की 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने की खुशी में है। क्रिकेट फैंस पटाखे फोड़ते और ढोल नगाड़े बजा जीत का जश्न मनाते दिखे। सत्रह साल लंबा इंतजार खत्म हुआ। दक्षिण अफ्रीका को हराकर टीम इंडिया दूसरी बार T20 विश्व चैंपियन बना। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 140 करोड़ भारतीयों को जश्न मनाने का सुनहरा मौका दिया। आज का मैच बहुत बढ़िया, अनबिलीवेबल। जैसा फाइनल होना चाहिए था वैसा फाइनल हुआ। निश्चित रूप से जैसा लोग विराट कोहली को प्रेशराइज कर रहे थे, आज इस फाइनल के प्रेशर मैच में जिस प्रकार की उन्होंने पारी खेली है, निश्चित ये जीत दिलाने की पारी है। और बुमराह ने जो बोल्ड मारा, तो निश्चित रूप से उसी समय साउथ अफ्रीका बाहर हो गया। 11 साल बाद हमने आईसीसी ट्रॉफी उठाई और हर एक के आंसू में खुशी के आंसू आ चुके हैं, हर एक के आंखों में, और ऐसा देख के बहुत अच्छा लग रहा है। दिल में एक खुशी बैठ चुकी है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इंडिया जीत गई है। ये बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आ गया। विराट कोहली सर बहुत नंबर, अच्छा लग रहा है कि हमारी इंडिया जीती है। अरे दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। महेंद्र सिंह धोनी के बाद रोहित शर्मा ने इतिहास रचा है, तो पीएम मोदी ने भी बधाई दी है। मोदी के साथ ही अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम योगी जैसे दिग्गजों ने टीम इंडिया को बधाई दी है। टीम इंडिया को